हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आया हूँ फतेहपुर सीकरी, और इससे पहले मैंने जो जोधाबाई का महल था वो आपको पूरा दिखा दिया था, तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसकी वजह से मैं सेकंड पार्ट अब शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ फतेहपुर सीकरी में, जो मस्जिद बनी है ना काफ़ी बड़ी, अभी मैं वहाँ पर आ गया हूँ। ये भी टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब हम दिखाते हैं अंदर जाकर मस्जिद को। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये मस्जिद का मेन गेट है, और इसी से अभी हम जाएंगे अंदर। अभी मैं आ गया हूँ दरगाह के अंदर फतेहपुर सीकरी की, तो काफ़ी बड़ी बनी हुई है और काफ़ी हिस्टोरिकल भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी बनी हुई है। तो अभी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ पूरी दरगाह को। तो ये जो वाइट सा बना हुआ देख रहे हैं ना आप, यही दरगाह है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और जिनकी दरगाह है उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। ये पत्थर लगा हुआ है, ये शायद संगमरमर है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी ये गर्म नहीं हो रहा है, जबकि उस तरफ का जो एरिया था वो काफ़ी गर्म हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने जूते यहाँ पर उतार दिए हैं, जूते अंदर पहनकर आना अलाउ नहीं है। तो गाइस, आपने देख लिया, अभी मैं दरगाह पर आया था, दरगाह का नाम है सलीम चिश्ती। अभी यहाँ पर लिखा हुआ था सलीम चिश्ती की दरगाह है ये, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो अभी हमने आप लोगों को ये भी दिखा दिया है, और धूप काफ़ी तेज़ है इस साइड में, तो अभी मैं ज़्यादा उधर गया नहीं, क्योंकि ज़मीन भी काफ़ी गर्म हो गई है। और अभी मैं इस साइड में हूँ, यहाँ पर ये कुछ बना हुआ है, पिलर विलर काफ़ी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये, आप देख सकते हैं एक बार।
चलिए फिर अभी थोड़ा और दिखाते हैं आपको। ये मस्जिद का एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों दरगाह का जो मेन गेट है जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाजे के अंदर जाते ही आपको मार्केट देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैं हूँ मार्केट, तो वो मार्केट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये दरगाह के अंदर का एरिया है और यहाँ पर ये मार्केट लगी हुई है। दोस्तों ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ना, यही दरगाह का गेट है और इसी को बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बता रहे हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा गेट है और ये 136 फीट ऊंचा है। इस गेट से बाहर निकलते ही आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ से पूरे फतेहपुर सीकरी की आबादी दिख रही है, घर वर दिख रहे हैं और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे ये गेट बना हुआ है और यहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से नीचे देखने पर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये गेट कितनी ज़्यादा ऊँचाई पर बना हुआ है और कितना ज़्यादा बड़ा बना है। दरगाह थी वो सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह थी, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और उसके पास में एक मस्जिद थी, उसमें एक मार्केट भी लगी थी, जो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो खालिद कैसा लगा घूमकर? काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बुद्धा भाई का मकबरा और सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, दरगाह है, दरगाह सब देखने के लिए बहुत बड़ा मकबरा है। मकबरा इतना बहुत बड़ा मकबरा है। गणेश मजा आया? बहुत बढ़िया भाई, बोले जो है कम से कम 4-5 घंटे फिर भी आप पूरा नहीं घूम सकते। सच में किला जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और हम लोगों ने फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया है। शायद ही अब कुछ रह गया हो जो मैं ना दिखा पाया हूँ लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर।